फ्रेंड्स, प्रोफेसर जाहिद इकबाल केमिस्ट्री प्रोफेसर बेटा आपके में हाजिर हूँ। ये बेटे हमारा टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। ये एफएससी पार्ट वन में चैप्टर सिक्स का ऑलमोस्ट जो हाफ पार्ट है उसका ताल्लुक एटॉमिक ऑर्बिटल्स और उससे रिलेटेड सारे जो टॉपिक्स हैं उनसे है। हमारी बेटे एनएमडी कैट सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग आपके लिए एक शॉर्टकट तरीके से जो एनएमडी कैट है उसकी प्रेपरेशन के जो हमारे आइडियाज़ हैं जो हमने पिछले 15 साल अपने एक्सपीरियंस सीखे हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल टॉपिक है ये इसको समराइज फॉर्म में आमतौर पे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचता, तो हम उसके लिए बच्चे ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी पार्ट वन पार्ट टू के मुकम्मल जो केमिस्ट्री है उसके इसी तरह से जो शॉर्टकट नोट्स हैं जो शॉर्टकट आपके पास जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप तक पेश किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो और एक छोटे फ्रेम में एक बड़ा जो कॉन्सेप्ट है बड़ा जो टॉपिक है वो समझ आ जाए। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट है इसका ताल्लुक बीबीटी से है, हाइब्रिडाइजेशन से है और एमओटी से है। पहली बात ये है कि व्हाट इज एटॉमिक ऑर्बिटल, ये होता क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल का मतलब है जी हमारे पास जो एक डेफिनेशन है वो ये है, व्हाट इज ऑर्बिटल, इट इज एन एरिया इन स्पेस वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 95%। समवन सेड दैट इट इज एरिया इन स्पेस वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम। 95% कह लें मैक्सिमम कह लें बात तो एक ही है। तो जो वर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है और जो एटॉमिक ऑर्बिट है बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। जो न्यू हमारी केमिस्ट्री है क्लासिकल केमिस्ट्री को शो जो हमारा पिछला काम छोड़ के, तो जो ऑर्बिट है वो असल में शेल का एक कॉन्सेप्ट है और जो ऑर्बिटल है वो एक शेल सब शेल एंड देन ऑर्बिटल है, ये एक हमारा फर्दर छोटा कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं आमतौर पे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है असल में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक की फाइंडिंग की जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होती है। आप समझे जो शेल है एक बड़ी रोड है, ठीक है, वन वे रोड है। अगर वी वांट टू फाइंड समथिंग ऑन दैट रोड वी विल से ओके द कार इज ऑन द रोड। अब ये नहीं पता जो हमारी वो जो कार है वो राइट साइड पे है रोड के लेफ्ट साइड पे है, तो वो जो रोड पे है गाड़ी जो है वो एक शेल है। किसने कहा जी राइट साइड पे है, ओके तो ये सब शेल हो गया, मीन्स कि थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है गाड़ी को फाइंड आउट करने की। देन किसने कहा ओके इट्स ऑन राइट साइड एंड ये आपकी पहली लेन में है, तो इसका मतलब हमारी कंफर्मेशन और बढ़ गई है। इसका आसान सा मतलब ये है कि पहले एक बड़ा एरिया था इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का, देन स्मॉलर एरिया और देन उसके बाद और स्मॉलर एरिया आ गया है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है इसमें हम जो हमारे मेजर तीन बड़े कॉन्सेप्ट हैं, एक का नाम वीपीटी है, एक का नाम हाइब्रिडाइजेशन है, तीसरा नाम एमओटी है। वीपीटी क्या है जी, वीपीटी जो है हमने वीपीटी से पहले वेस्पर थ्योरी की बात की ही, वीएसईपीआर थ्योरी जो है। वेस्पर थ्योरी क्या कहती है जी, हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप और उनका बॉन्ड जो एंगल है वो क्या होता है, तो वो तो हमें उसका अंदाजा हो गया वेस्पर थ्योरी से कि जो हमारे पास AB2 से लेके AB7 जो सिस्टम है वहां तक हमें बॉन्ड एंगल और जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल अंदाजा हो गया। बट बॉन्ड कैसे बनते हैं इसके मुतल्लिक वेस्पर थ्योरी बिल्कुल खामोश है, उसने इसके मुतल्लिक कोई बात नहीं की कोई भी। उसका ताल्लुक जस्ट शेप से है कि हमारा जो सेंट्रल एटम है उसके इर्द गिर्द जो सराउंडिंग एटम कैसे अरेंज करते हैं, तो अबाउट बॉन्डिंग के बॉन्ड कैसे बनता है वो जो मॉलिक्यूल है जिसके हमने शेप और बॉन्ड एंगल की बात की है वेस्पर थ्योरी में, वो मॉलिक्यूल आया कहाँ से, वो मॉलिक्यूल बना कैसे। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट उसका नाम है वीपीटी। वीपीटी स्टैंड फॉर वेलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसका ताल्लुक है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से। ये वीबीडी कहती है हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं ओवरलैप होते हैं जी। ओवरलैप कैसे, ओवरलैप का मतलब ये है ओवरलैपिंग दो तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग है वो क्या देगी आपको, बॉन्ड बनाएगी, और बॉन्ड जो है वो जो ओवरलैपिंग होगी उसमें जो हमारे पास जो एरिया है बिटवीन जो टू न्यूक्लियाई है आपस में जब कॉम्बिनेशन होगी ओवरलैपिंग होगी ऑर्बिटल्स की, और वो जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है उसमें ओवरलैपिंग दो तरह की है, एक हैड टू हेड ओवरलैपिंग, नंबर टू है दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल ओवरलैपिंग। हेड टू हेड का दूसरा नाम है फेस टू फेस ओवरलैपिंग, या हम उसे कहते हैं लीनियर ओवरलैपिंग कहते हैं।
और जो साइडवाइज ओवरलैपिंग है, दैट इज कॉल्ड एज पैरेलल ओवरलैपिंग, आल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल ओवरलैपिंग। तो वीपीटी के मुताबिक जो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, जो कि एस 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 पी एक्स और पी एक्स पी एक्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। फिर सुनिएगा, सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमारे पास सिंगल बॉन्ड जब बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, और वो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, तो उसमें बॉन्ड बनने के दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन के जो आपस में उनका जो इलेक्ट्रॉनिक लोड है दो न्यूक्लियाई का, वो इलेक्ट्रॉन लोड बिटवीन टू जो न्यूक्लियाई के दरमियान में मौजूद होगा, उस लाइन पे मौजूद होगा जो कि दो न्यूक्लियाई को जोड़ देती है। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमारे पास जो इंटरेक्शन है ऑर्बिटल, वो मैक्सिमम होती है। दैट्स वाई ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसको सिंपल वे में समझाने के लिए हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड आमतौर पर तीन वे से बनता है। जब एक एटम के एस दूसरे एटम के एस जो हमारा ऑर्बिटल है उससे कंबाइन करेगा, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, बोथ है वन एस, वन एस वन, वन एस वन, बोथ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों को जो एस एस जो हमारे पास सब शेल या कह लेंगे और जो ऑर्बिटल है वो मिक्स होंगे, ओवरलैप होंगे। तो ओवरलैपिंग के दौरान एस एस से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऐसे एस पी एक्स है, बड़ी कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास एच एफ है, जो एच एफ है वो एस पी एक्स वाला है। एस कहाँ से आएगा, एच से आएगा, पी एक्स कहाँ से आएगा, एफ से आएगा, मिलकर बनेगा एच एफ और इसी बॉन्ड बनेगा। देन पी एक्स है, इस एग्जाम्पल आप एफ को ले लें, एफ टू जो मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, जैसे ऊपर हमने एस पी एक्स में कहा था एच एफ, ऐसे हमने पी एक्स में किसको बोला, एफ, और फिर सिंगल बॉन्ड एफ को। तो एफ सिंगल बॉन्ड, एफ जो सिग्मा बॉन्ड है, वो हमारे पास असल में दोनों के पी एक्स की ओवरलैपिंग से बना है। इन सेम वे वीपीटी कहती है कि हमारे पास जो दूसरा बॉन्ड है वो है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या चाहिए, क्या बनता है भाई हमारे पैर, क्योंकि पाई बॉन्ड बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से, और पैरेलल ओवरलैपिंग आमतौर पर हमारे जो मेजर ऑर्बिटल वो कौन से हुए, पी वाई पी वाई और पी जी पी जी है। पी वाई और जो पी जी है, दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं उनके जो कॉम्बिनेशन, उनके जो ओवरलैपिंग है, वो आमतौर पे वो जो हमारा एरिया है कौन सा सिग्मा बॉन्ड का, उसके बिल्कुल राइट एंगल पे होती है, 90 एंगल पे होती है। मीन इसमें जो हमारे पास ओवरलैपिंग का ऑर्बिटल होगी वो वीक होगी, और वीक बॉन्डिंग की वजह से जो पाई बॉन्ड होता है वीक बॉन्ड होता है, इजी टू ब्रेक होता है। देन यही जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको हम जब फर्दर लेके चलते हैं अगले थोड़े से बेहतर कॉन्सेप्ट में, तो वो है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो वीबीटी है वो सभी चीज़ों कवर नहीं करती, वो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के मुतल्लिक बात तो कर देती है, बट जो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो ओवरलैपिंग स्टोरी है वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं होती, तो उसको एडजस्ट करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए हमारा नंबर टू कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, ये एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, जो कहती है कि भाई बजाय कि हमारे ऑर्बिटल ओवरलैप करें, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग की बातें करें, हम सिंपल बात करते हैं क्या भला, कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कौन से वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने का मतलब ये है कि ऐसे हमारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो कि पहले से फील्ड हैं, फील्ड का मतलब है जिनका शेल, सब शेल और ऑर्बिटल फील्ड है, वो तो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन वेलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं, चाहे वो फील्ड हों चाहे वो हाफ फील्ड हों, वो सब आपस में मिक्स हो जाते हैं। जब वो मिक्स होते हैं तो इसकी डेफिनेशन ये कहती है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट एनर्जी। ये जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनकी पहले शेप क्या है, डिफरेंट, पहले एनर्जी क्या है, डिफरेंट, लेकिन जब वो कंबाइन होंगे, जब वो मिक्स हो जाएंगे, तो मिक्स होने के बाद उनकी शेप और उनकी एनर्जी का सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट शेप वाले एटॉमिक ऑर्बिटल का कंबाइन होके, मिक्स होके, सेम एनर्जी एंड सेम शेप वाले बनने का नाम क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब मजे की बात है, जब मिक्सिंग हो जाएगी तो मिक्स होने के बाद नन कैन आइडेंटिफाई कि इसमें जो मिक्सिंग हुई है एस की, पी की या डी ऑर्बिटल्स की, वो कहाँ कहाँ मौजूद है। नो, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसको आप ऐसे समझो जैसे हमारे पास तीन, दो या तीन हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे पास जैसे कहते हैं कोई एक पाइन एप्पल है, एक हमारे पास जो है बनाना है, एक हमारे पास जो है वो एप्पल है, तीन हमारे फ्रूट्स हैं।
हमें तीनों के अलहदा अलहदा क्या बनाए, मिल्कशेक बनाए हैं। तीनों का टेस्ट डिफरेंट है, तीनों की एनर्जी लेवल भी डिफरेंट होगा, तीनों कैलरीज डिफरेंट होंगी। फिर जब वो कंबाइन हो जाते हैं तीनों, जो हमारे जो मिल्क शेक के गिलास उनको मिक्स कर दें, जब मिक्स हो जाएंगे तो अब वो तीनों मिक्स होने के बाद अब उनकी जो नई शेप है वो भी सेम हो चुकी है, सबका कलर मिक्स हो चुका है, सबकी कैलरी आपस में मिक्स हो चुकी हैं, अब उनकी एनर्जी सेम है, शेप भी उनकी सेम हो चुकी है, टेस्ट भी उनका ऑलमोस्ट सबका मिक्स होके जैसा हो चुका है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है इसके आगे थ्री मेजर टाइप्स हैं। हमारी बुक जो है FSC पार्ट वन की चैप्टर 6 जो है वो तीन को डील करती है, SP3, SP2 और SP को। नो डाउट हमारी FSC पार्ट टू बुक में जो चैप्टर मस्जिद वो भी चैप्टर 6 है, उसमें DSP2, उसके बाद DSP3 और SP3D2 का जिक्र भी है। बट जो कॉमनली हमारे जो ज़्यादा यूजेबल हैं वो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो SP3, SP2, SP है। SP3 में जैसे कि नाम से क्लियर है 1S और 3P मिक्स होंगे, SP2 में 1S और 2P मिक्स होंगे और SP में 1S1P मिक्स होंगे। जब SP3 में मिक्सिंग होगी चार एटॉमिक ऑर्बिटल की तो आगे बनेंगे भी चार ही नए बनेंगे, और SP2 में 1S और 2P होंगे तो मिक्स, क्योंकि तीन एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे तो आगे जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल वो भी तीन ही बनेंगे। SP में 1S और 1P है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, आगे दो ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अब आगे डिफरेंट हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे SP3 के लिए हमारे मॉलिक्यूल हैं अमोनिया है, वाटर है, मीथेन है, इन सब में क्या SP3 है। जो SP2 है वो जैसे BF3 है, जैसे हमारे पास इथीन है, और SP के लिए BeCl2 ब्रीदियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है, इथाइन का मॉलिक्यूल है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। हम एक अगली एक लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपके पास अननोन मॉलिक्यूल है तो विद इन सेकेंड्स आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं, विद इन सेकेंड्स, बजाय कब याद रखें मॉलिक्यूल्स को, आप उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक छोटे सिंपल से फार्मूला से उसको बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन स्टूडेंट हमारे पास MOT की बात आ गई। MOT कहती है हमारे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो कंबाइन हो जाते हैं। जब वो कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन कैसा होगा स्टूडेंट्स, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो भी हमारे पास ओवरऑल क्या होगा, जो एक पूरा जो मॉलिक्यूल है उस जो पूरा मॉलिक्यूल की जो कॉम्बिनेशन है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के मिलने से मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है, और एज अ होल हमारा जो पूरा मॉलिक्यूल है वो असल में डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है। हम कहते हैं MOT जो है उसके आगे फिर उसमें दो हमारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, एक वही सिंपल कॉन्सेप्ट है सिग्मा बॉन्ड है, और फिर दूसरा हमारा पाई बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड के आगे फिर दो टाइप्स हैं, एस और एस स्टार है, मीन सिग्मा और सिग्मा स्टार। ऐसे जो हमारा पाई बॉन्ड है उसके आगे दो टाइप्स हैं, पाई और पाई स्टार। कॉम्बिनेशन वही है, कौन से वाला, सिग्मा बॉन्ड कब बनेंगे, SS SPX PX PX से, पाई बॉन्ड कब बनेगा, PY PY से, PZ PZ से। बट MOT थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट क्यों है, इसलिए क्योंकि MOT कहती है हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड हो या पाई बॉन्ड हो दोनों दो तरह के हैं। सिग्मा बॉन्ड जब बनता है तो उसके आगे दो टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक है लो एनर्जी जिसे हम कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक है हाई एनर्जी जिसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम वही जो पाई वाला है वो उसका भी यही हाल है कि जो पाई वाला होगा वो जो PY PY2PY और PY2PZ जो है इसी का आगे PY*2PY होगा और इसी का PY*2PZ होगा। तो स्टूडेंट्स बेटे कहने का मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन और MOT दोनों एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो हमारी कमियां कोताहियां हाइब्रिडाइजेशन में रह गई थी वो हमने कहाँ पूरी की, MOT में पूरी की हैं। MOT का बच्चे जो मेजर कॉन्सेप्ट जो है वो यही है, उसका बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आता रहा है, और ये क्वेश्चन जो है एंड तक रिपीट होता है, ये FSC का सवाल है, ये BS में रिपीट होता है, ये MFA में रिपीट होता है, क्या भला कि व्हाट इज MOT, हाउ इट एक्सप्लेन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल एंड पैरा मैग्नेटिज्म ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो जो MOT है इसका बच्चे कंसर्न जो है बड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे, बड़े एडवांस लेवल पे है। तो MOT कहती है हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं लो एनर्जी वाले, BMO से कहा जाता है, और हाई एनर्जी वाले क्या होते हैं, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। जो बॉन्डिंग होते हैं वो स्टेबल होते हैं, एंटी बॉन्डिंग अनस्टेबल होते हैं। बॉन्डिंग जो है उनकी वजह से हमारा जो मॉलिक्यूल है वो बनता है, स्टेबलाइज होता है, एंटी बॉन्डिंग हमारा मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टेबलाइज होता है। तो
ये हमारा कॉन्सेप्ट था, एक हमने एक जो एक सिंगल आपके पास एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है एटॉमिक ऑर्बिटल का, और वो किस तरह बीपीटी हाइब्रिडाइजेशन और एमओटी को डील करता है, इसमें हमने इस लाइन बताने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स यही बच्चे हमारे एनएमडी कैट सीरीज चल रही है, पहले कोशिश कीजिए इसको देखने की और इसको आगे फर्दर शेयर करने की। और इसमें जो छोटी मोटी आपको लगता है कि इसमें जो कुछ चेंज आने वाला है मेरे बेटे, वो जरूर हमें बताएं, हमें जो हमारा कमेंट सेक्शन है यूट्यूब चैनल पे वहाँ भी बता सकते हैं आप लोग बेटे, हमारा वहाँ नंबर मेंशन, आप उनसे वैसे भी बात हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये एक हम जिसे कहते थोड़े से सेटअप के साथ, आपके थोड़े से जिसे कहते हैं तावन के साथ ही काम शुरू किया हुआ है, तो अगर बेटे आप उसको लेके चलेंगे हमारे साथ, हमारा हमसे कॉपरेट करवाएंगे, तो उम्मीद है कि बेटे ये बहुत बहुत बेहतर काम होगा। थैंक यू सो मच।